So, hi, I'm and in today's video we are going to discuss टू डिस्क्रिप्शन versus जॉब स्पेसिफिकेशन uh, दोनों ही हम वन बाय डिस्कस करेंगे ये दोनों जॉब एनालिसिस के बाय प्रोडक्ट्स हैं तो जॉब एनालिसिस आपका क्या होता है उस पर हम प्रीवियस uh, मेरी चार से पांच videos आ चुकी हैं जिन पर हम डिस्कस uh, करते हुए आ रहे हैं कि जॉब एनालिसिस होता क्या है उसका प्रोसेस क्या होता है कैसे हम उस डेटा को कलेक्ट करते हैं वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप जाके मेरी प्ले को चेक कर सकते हैं द लिंक ऑफ द प्ले लिस्ट आई इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एनी अदर कॉन्सेप्ट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैन यू मे ऑल्सो गो एंड चेक आउट दिस प्लेलिस्ट सो लेट जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग जॉब डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कम्स योर जॉब ठीक है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है आपका दिस इज अ रिटर्न स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब्स द जॉब ठीक है तो जो भी जॉब है आपकी उसको पूरा आपने डिस्क्राइब करना है ओके जो भी उसका नेचर है जिस भी टाइप की वो जॉब है जो जो उसकी ड्यूटीज हैं क्या क्या उसमें करना है क्या वर्किंग कंडीशन है क्या हजार्ड हैं उसमें कौन सुपरवाइजर रहेगा किसको वो रिपोर्ट करेगा ये सारी चीजें जॉब से रिलेटेड जो जो आपकी डिटेल्स हैं कुछ भी जो भी आपके माइंड में आ सकता है जॉब से रिलेटेड वो सब आपका किसका पार्ट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का सो दिस इज अ रिटर्न स्टेटमेंट आप प्रॉपरली फैक्चुअल स्टेटमेंट होती है ये जिसमें जॉब uh, को डिस्क्राइब करते हो सो so, यही इसकी डेफिनेशन uh, बन जाएगी जॉब डिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्गेनाइज फैक्चुअल स्टेटमेंट फैक्चुअल स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप खुद से परसीव करके या खुद के हिसाब से अंदाजे लगा के चीजों को लिख रहे हो कि क्या क्या करना रहेगा फैक्ट्स होने चाहिए वो ट्रूथ होना चाहिए ठीक है बिल्कुल ट्रू आपकी होनी चाहिए ट्रू ड्यूटीज टास्क आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ जॉब कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब सो जॉब डिस्क्रिप्शन की नीड क्या क्या है क्यों हमें लिखना पड़ता है उसमें पहला आपका जाता है कि जब भी आपको सपोज कोई वैकेंसी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है ठीक है कोई भी पोजीशन पे आपने लोगों को हायर करना है तो उसके लिए अब आपको उसको पहले तो एडवर्टाइज करना पड़ेगा चाहे आप उसे नौकरी ऑर्डकॉम पे कर रहे हैं न्यूज पेपर्स में कर रहे हैं लिपड इन पे कर रहे हैं कहीं पर भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी वैकेंसी को एडवर्टाइज करेंगे तो वो कैसे एडवर्टाइज़ करेंगे कैसे आप लोगों को जॉब सीकर को कैसे बताओगे कि हमारी कंपनी में ये जॉब है तो आप इस पर आके अपनी एप्लीकेशन दीजिए तो वो यही पूछेगा ना कि इस जॉब पे करना क्या है मुझे करना क्या होगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी ठीक है तो वो सब एडवर्टाइज करने के लिए क्या बनाया जाता है जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि क्या क्या आपको इस जॉब के अंदर करना है सो इट एम्फरसाइजेज द जॉब रिक्वायरमेंट्स उस जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर ये एम्फरसाइज करता है इट टेल्स द नेचर एंड टाइप ऑफ जॉब किस टाइप का ये जॉब है सो इट बेसिकली डिस्कलोजेज वर्ट वट इज टू बी डन क्या क्या करना है उस जॉब पे वो हमें आ, बताना होगा हाउ इट इज टू बी डन क्या क्या टूल्स मशीनरीपमेंट सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज किए जाएंगे इस जॉब को करने के लिए हाउ इट विल बी परफॉर्म ये हम मैंशन कर देंगे वाई इट इज टू बी डन क्या ऑब्जेक्टिव है इस जॉब को करने के पीछे ठीक है वो भी हमें uh, मैंशन करना है अपना जॉब डिस्क्रिप्शन में तो जॉब डिस्क्रिप्शन के कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ इस टाइप के कंटेंट्स आपके रहते हैं जिनको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फर्स्ट आपका जाता है जॉब टाइटल जॉब टाइटल आपका क्या है आपको एक ऐसा स्पेसिफिक टाइटल रखना है जो कि मीनिंगफुल हो वहीं से कन्वे हो जाए कि उस जॉब के अंदर क्या है जैसे पर्सनल सेक्रेटरी ठीक है ये एक अगर जॉब टाइटल है या प्रोडक्शन वर्कर कोई भी जॉब टाइटल जो है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि वो जॉब है क्या उसमें क्या क्या हो सकता है कौन साइज आपने टाइटल रख लिया उसके बाद आप बताओगे कि जॉब लोकेशन क्या है जॉब लोकेशन से क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की किस डिपार्टमेंट में वो जॉब हो रही है किस मशीनरी पे उस जॉब को करना है ठीक है ये आप जॉब की लोकेशन आप मेंशन कर दोगे अब उसके बाद आप एक समरी प्रोवाइड करते हो एक छोटी सी पैराग्राफ में एक समराइज कर देते हो पूरे जॉब में बेसिकली किया क्या क्या जाएगा उसके बाद आप ड्यूटीज मतलब और स्पेसिफिकली एक एक ड्यूटी क्या क्या रहेगी उसको आप मेंशन करोगे इसके बाद क्या क्या मशीन यूज करनी है क्या टूल्स यूज करने हैं ताकि जॉब सीकर को ये पता लग जाए कि अगर आपको वो टूल्स चलाने आते हैं वो यूज करने आते हैं उस मटेरियल के साथ आप काम करने को तैयार हो जैसे हो सकता है कि कोल के साथ आपको काम करना हो या लीड या कुछ ऐसे मेटेरियल्स वहां पर यूज हो रहे हो जॉब में जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो काम करने में तो इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी रिलेशन टू अदर जॉब्स मतलब वो एक जॉब कैसे रिलेट करेगी बाकी अदर जॉब से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसको वो रिपोर्ट करेगा कौन उसे रिपोर्ट करेगा ठीक है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें दे दिए जाते हैं इसके अलावा सुपरविजन अब सुपरविजन भी वही दो ही तरह का हो सकता है कि वो किसको सुपरवाइज करेगा और उसी सुपरविजन कहाँ से मिलेगी ठीक है ये सब चीजें उसके अंदर बता दी जाती हैं इसके अलावा वर्किंग एनवायरमेंट वर्किंग एन्वायरमेंट कैसा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन uh, के अंदर या फैक्ट्री के अंदर वहाँ पर कुछ हजारडियस तो नहीं है या वहाँ पर बहुत ज्यादा नॉइसी इन्वायरमेंट तो नहीं रहेगा uh, या हीटेड फैक्ट्री uh, का एन्वायरमेंट तो नहीं रहता है बहुत ज़्यादा ये सब आपने वहाँ पर मेंशन करना है इसके अलावा ऐसी कोई चीज ऐसी कोई प्रैक्टिस या ऐसा कोई इक्विपमेंट मटेरियल टूल कुछ भी ऐसा यूज तो नहीं होने वाला जिससे हेल्थ पे हजार्ड्स आ सकते हैं हेल्थ को हार्मफुल इफेक्ट uh, डाल सकते हैं तो वो भी आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करना है कि फैक्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा डस्ट एंड फ्यूम्स रहने वाले हैं जिससे कि उनके लंग्स पे इम्पैक्ट आ सकता है तो इस टाइप की जितनी भी आपकी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब आप किसमें डाल देंगे जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर अब मैंने एक ये यह यहाँ पर फॉर्मेट अटैच किया स्पेसिफिन अटैच किया है ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है सिंपली बुक से ही मैंने पिक किया है तो अगर आप सेम बुक को रेफर कर रहे होंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा सो जेन इंडस्ट्रीज का ये एक वो है आपका कोई जॉब डिस्क्रिप्शन है किसी एक पर्टिकुलर जॉब का तो टाइटल क्या है जॉब का वो आपने लिख दिया पर्सनल सेक्रेटरी जॉब नंबर लिख दिया किस पे ग्रेड पे रहेगी वो डाल दिया डेट किस डेट पे आप इस जॉब डिस्क्रिप्शन को रिलीज कर रहे हो वो डाल दिया किस डिपार्टमेंट में होगी इमीडिएट सुपरवाइजर कौन होगा वो आप डाल देंगे इसके बाद फिर जैसा मैंने अभी आपको बताया था लास्ट स्लाइड में जॉब समरी आप बता रहे हैं एक समराइज कर दिया आपने कि वो सेक्रेटरियल ड्यूटीज परफॉर्म करेगा जैसे कि डिटेशन लेना टाइपिंग करना रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और जितनी भी आपकी क्लैरिकल ड्यूटीज होती हैं वो सब फिर आप ड्यूटीज को और स्पेसिफिक वे में जाके बताओगे जैसे टेक डिक्टेशन इन शॉर्ट हैंड और फ्रॉम डिक्टेशन मशीन या तो आप शॉर्ट हैंडेडली डिक्टेशन ले रहे हो या डिक्टेशन मशीन का यूज करके ले रहे हो इसके अलावा जैसे टाइपिंग अगर बताया था हमने अभी समरी में तो अब हम बताएंगे कि uh, आपको टाइप क्या क्या करना है लेटर्स टाइप करने हो सकते हैं मेमोरेंडम रिपोर्ट्स ये सब टाइप करने हैं टाइपिंग आपको टाइपिंग लेटर से कर... सॉरी टाइपिंग मशीन से करनी है टाइप से करनी है या लैपटॉप के थ्रू करनी है कंप्यूटर के थ्रू करनी है वो आप बता देंगे ठीक है इनकमिंग मेल्स वगैरह उनको शोर्ट करना है फॉलोअप करना है मीटिंग्स अरेंज करानी है वो सब चीज है जो जो उसको करना रहेगा एज अ पर्सनल सेक्रेटरी वो सब जॉब ड्यूटीज आप बता देंगे जैसे कि यहाँ तक सारी आपकी जॉब ड्यूटीज ही चल रही हैं इस पॉइंट तक अः अरेंज करेगा वो होटल एंड ट्रैवल रिजर्वेशंस भी अगर उस मैनेजर को जिसका भी वो पर्सनल सेक्रेटरी रखा गया है उसको कहीं पे भी जाना है ट्रैवल करना है तो वो उस सब के लिए पूरा टिकट्स विकेट्स ये सब अरेंज कराएगा अब उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है कि कोई इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट या मशीन जो उसको यूज करनी रहेगी जैसे टाइप राइटर हो गया आपका डिक्टेशन मशीन इस जॉब में यही दोनों है कुछ जॉब्स आपकी ऐसी भी हो सकती है जैसे अगर कोई रिक्रूटर की जॉब है तो आपको नौकरी डॉट कॉम चलाना आना चाहिए लिंक इन पे आपके गुड कनेक्शन होने चाहिए या किसी भी जॉब में हर जॉब के अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं अलग अलग उनके टूल्स होते हैं तो वो आप मेंशन कर दें ताकि जॉब सीकर को ये पता चल जाए कि मुझे वो यूज करने आते हैं या नहीं अदर जॉब से उसका क्या रिलेशन है नेचर ऑफ सुपरवाइजन सुपरविजन क्या है वर्किंग एनवायरमेंट क्या है ये सब कुछ आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंशन कर देना है सो दिस वॉज योर जॉब डिस्क्रिप्शन नाउ कम्स द जॉब स्पेसिफिकेशन अब जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है देखिए जेडीज आपके किससे रिलेटेड थे जो अभी मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बताया तो वो आपका जेडी किससे रिलेटेड था जॉब से रिलेटेड ठीक है जॉब से रिलेटेड अब जे एस जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो आपका किससे रिलेटेड है इंप्लॉई से रिलेटेड ये जो चीज है ना ये आपको हमेशा याद रखनी है स्क्वायर की फोटो ले लो स्क्रीन ले लो उसको अपने वॉलपेपर भी लगा लो फिर याद रह जाएगा हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब को डिस्क्राइब करता है जॉब स्पेसिफिकेशन किस इंप्लॉय को डिस्क्राइब करता है जो इंप्लॉई इसी जॉब को करेगा ठीक है तो अब बेसिकली आप करते क्या हो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर यू ट्रांसलेट द जॉब डिस्क्रिप्शन नाउ वंस यू हैव हैव रिटन वंस यू डिसाइडेड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है नाउ यू हैव टू ट्रांसलेट दिस इंटू ह्यूमन क्वालिफिकेशन कि अब इस जॉब को करने के लिए इन सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या ह्यूमन क्वालिफिकेशंस नीडेड हैं ठीक है थीके? क्या क्या स्किल्स नीडेड हैं क्या एबिलिटीज होनी चाहिए हम अब मैं बोलूंगी कि पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब जॉब हमने जस्ट स्टडी करी जॉब डिस्क्रिप्शन जिसका अब सपोज मैं स्पेसिफिकेशन के अंदर बताती हूँ कि उसको करने के लिए पर्सन uh, जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए उसके अलावा उसने एज अ पर्सनल सेक्रेटरी दो या तीन साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उसने कहीं काम किया हो तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स या इक्विपमेंट्स की नॉलेज क्वालिफिकेशंस एबिलिटीज जैसे किसी फिनेंस की पोजीशन के लिए हो सकता है कि ये कि ये रिक्वायर्ड हो वो प्लस प्लस होना चाहिए इस टाइप से ये सब चीजें आप बता देंगे विच आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ दैट जॉब अगर इस जॉब को सक्सेसफुली परफॉर्म करना है तो उसके लिए क्या क्या ह्यूमन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है डेफिनेशन uh, इसकी क्या हो जाएगी सो अ जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स द मिनिमम एक्स क्सेप्टेबल क्वालिटी टू परफॉर्म अब प्रॉपरली ठीक है मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज को यह बताता है अब अगेन इसकी नीड क्या क्या है अगर हम बात करें जॉब स्पेसिफिकेशन क्यों लिखे जाते हैं तो पहला तो ये हायरिंग में हेल्प करते हैं हायरिंग में कैसे हेल्प करेंगे अब जो भी इंटरव्यूअर है जो भी एच आर से बंदा हायर कर रहा है वो जो जॉब जो सीकर आया है आपके पास जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए जिसने अप्लाई किया है तो अब आप उसकी स्किल्स को मैच किससे करोगे जॉब स्पेसिफिकेशन में जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो जो आपको कम्युनिकेट की गई हैं कि हमें इस जॉब के लिए ये स्किल्स चाहिए उसी से तो आप मैच करोगे ना तभी आप सिलेक्ट कर पाओगे कि उस बंदे को हायर कर सकते हो या नहीं तो एक तो ये हायरिंग में हेल्प करता है दूसरा इट इज ऑल्सो यूज इन जॉब इवेलुएशन जॉब इवेल्युएशन आपका क्या होता है किसी भी जॉब की रिलेटिव वर्थ को जानना ठीक है कि वो कितनी ही है उस पे ये बेसिकली आपका यूज होता है सैलरी एंड वेजेस फिक्सेशन में कि आपको उस जॉब में सैलरी और वेजेस क्या क्या रखने हैं कैसे कंपनसेशन फिक्स करना है उसके लिए आप जॉब को इवेल्युएट करते हो तो जॉब स्पेसिफिकेशन से आपको कैसे हेल्प मिलेगी कि आपको ये पता चलेगा कि उस उसपे क्या लेवल ऑफ स्किल रिक्वायर्ड है या अगर सपोज किसी जॉब में रिस्क एलिमेंट एडिड है रिस्क uh, उसको लेना पड़ेगा जो भी एम्प्लॉय उस पर आएगा जॉब पे करने के लिए तो उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत कम्पनसेशन ऐड करना पड़ेगा उसकी वर्थ बढ़ जाएगी ना जॉब की इसी टाइप से अगर उस उस कोई स्पेशलाइज स्किल की जरूरत है जॉब को करने के लिए तो उसके लिए आपको एक ऐसे इंसान को हायर करना पड़ेगा जिसके पास वो स्पेशलाइज स्किल हो ठीक है तो उसके लिए भी आपको उसे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा उस जॉब की वर्थ बढ़ जाएगी तो इस तरीके से जॉब इवेल्युएशन के लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ती है जॉब स्पेसिफिकेशन की अब यही सब आपके कंटेंट्स रहेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर एजुकेशन आपने डाल दी जैसा कि मैंने अभी बताया बीटेक चाहिए बीबीए चाहिए एमबीए चाहिए क्या चाहिए हमें वो बता दिया किसी स्पेसिफिक फील्ड में या कितने सालों का एक्सपीरियंस हमें चाहिए वो हमने बता दिया किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी इस जॉब को करने के लिए वो हम यहाँ पे बता देंगे जजमेंटल क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए नहीं वो आपने बता दिया इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए फिजिकल एफर्ट अगर किसी सपोज uh, कोई बॉडी गार्ड की जॉब है तो उसमें उसको एक हट के फिजिकल एफर्ट डालना पड़ेगा ऐसा इंसान होना चाहिए ऐसा पर्सन ही हम अपॉइंट कर सकते हैं जिसके अंदर वो फिजिकल एफर्ट पुट करने की स्टेमिना हो या फिजिकल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं अगर किसी स्पेसिफिक uh, जॉब के लिए तो वो भी आपको मैंशन करना है इसी टाइप से इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं जैसे कोई भी जॉब uh, जिसमें इमोशनल बैलेंस की ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर की कोई जॉब है या कोई भी ऐसी जॉब हो सकती है आ, जैसे रिसेपशन की अगर जॉब है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट अच्छी होगी इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप कितना कैरी कर सकते हो एक और चीज आ जाती है कि अनयूजल सेंसरी डिमांड्स अगर हैं उस जॉब में जैसे कि सपोज कोई ज्वेलरी मेकर की है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर ज्वेलरी मेकर की आपकी जॉब है तो उसमें आ, उसको बहुत बहुत अच्छी आईसाइट का होना बहुत जरूरी है एम्प्लॉय के अंदर क्योंकि उसको बिल्कुल बारीकी से काम करना है तो इस टाइप से साइट से रिलेटेड स्मेल से रिलेटेड हियरिंग से रिलेटेड इस टाइप की कोई भी सेंसरी डिमांड है जिसमें आपके सेंसरी ऑर्गन्स का यूज हो रहा है तो वो भी आप अपनी जॉब की स्पेसिफिकेशन में मैंशन कर दोगे ओके सो ये आपके सारे कंटेंट्स रहते हैं जॉब स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन के अब लास्टली मैंने यहाँ पर एक और स्पेसी मैंने अटैच किया है जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए भी जिससे ये भी बुक से ही पिक किया है मैंने तो यहाँ पर कोई गगन इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसका ये किसी जॉब का स्पेसिफिकेशन है अब इसके अंदर आपने जॉब का टाइटल लिख दिया मिडल मैनेजमेंट ग्रेड की कोई जॉब है डिपार्टमेंट से किससे है वो लिख दिया अब देखो यहाँ पर एज लिमिट पहली जो चीज है वो किससे रिलेटेड है अब इम्प्लॉई से रिलेटेड uh, जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट देखा था उसमें सारी चीजें जॉब से रिलेटेड थी जॉब की ड्यूटीज क्या है जॉब की समरी क्या है जॉब की सुपरविजन क्या है ये यह सब यहाँ पे सब इम्प्लॉई से रिलेटेड आ रहा है कि इम्प्लॉई की एज लिमिट क्या है ठीक है इसके अलावा एम्प्लॉई की एजुकेशन क्या है क्वालिफिकेशन क्या है कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में होना चाहिए साइंस में होना चाहिए आर्ट्स में होना चाहिए उसकी फिजिक और हेल्थ से रिलेटेड चीजें अपियरेंस से रिलेटेड चीजें जैसे अगर एयर होस्टेस है तो वहाँ पे अपियरेंस पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा मेंटल एबिलिटीज़ उसकी कैसी हैं अगर कोई एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे है तो मेंटली अलर्ट होना चाहिए एबल टू जज होना चाहिए ही शुड बी एबल टू एनालाइज ही शुड बी एबल टू टेक द डिसीजंस इसके अलावा स्पेशल एबिलिटीज अगर कुछ रिक्वायर्ड हैं कि किसी जॉब में सपोज रात को भी एकदम से काम करना पड़ सकता है तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है इस जॉब में वो आप मैंशन कर दोगे प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको कितना चाहिए किस फील्ड में चाहिए वो आप बता दोगे कोई स्पेसिफिक स्किल आपको चाहिए किसी स्पेशल इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए तो वो भी आप बता दो जैसे कंप्यूटर्स को वर्क रन करना हो, हो सकता है या स्पेसिफिक किसी जॉब में अगर आ, किसी एक सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो वो आप मेंशन कर दो ठीक है इस टाइप से जो भी ये सारे पॉइंट्स है वो मेच्योर होना चाहिए इनोवेटिव होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए डोमिनेंस uh, की कितनी जरूरत है वो सब सारी रिक्वायरमेंट्स जो एक एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स uh, रहेंगी वो सब आप इस जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन कर देंगी सो दिस इज